पूछा? पूछा मैंने कुछ? साले मैंने कुछ पूछा? पूछा मैंने कुछ? पूछा मैंने कुछ? दीपक, इस खबर की अभी तक किसी ने पुष्टि नहीं की है, लेकिन अचानक से यहाँ की गतिविधि में बहुत तेजी आ गई है। आप यहाँ पर बॉम्ब स्क्वाड और स्निपर डॉग्स को देख सकते हैं। ये अभी अभी बाहर आए हैं, लेकिन कोई भी हमें किसी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर रहा है। हम अपने दर्शकों को फिर से एक बार बता दें कि यहाँ पर बॉम्ब मिलने की सूचना हमें एक फोन कॉल के द्वारा मिली थी। शायद बॉम्ब मिल चुका है और डिफ्यूज भी हो चुका है, लेकिन पुख्ता तौर पर हमें कोई जानकारी अब तक मिली नहीं है। पर हम फिर भी अपनी कोशिश जारी रखेंगे। कैमरामैन राज के साथ मुंबई से नैना रॉय, यूटीवी न्यूज। ओवर। और मुझे फोरेंसिक की रिपोर्ट इमीडिएटली चाहिए वॉर रूम में। जय साहब। कॉपी सर। थैंक यू सर। मात्रे कमेंट। कॉपी। जय सर, पगला आ गया, आज फिर कोई मरेगा। हेलो, बिजी हो? नहीं, हम लोग ठीक ठाक पहुंच गए हैं। माँ कैसी है? माँ ठीक है, ला मुझे दे। क्या बात है, कोई टेंशन? नहीं तो फिर निकलने से पहले फोन करती हूँ। ओके, टेक केयर, बाय। मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, मैं खाली डिलीवरी दिया। मेरे को मैसेज आया था कि रफीक को ये बैग देने का, वो कस्टमर रफीक का ही था। मैं तो रफीक से भी पूछा कि ये कौन है करके, बोला तेरी जगह पीछे की सीट पे चुपचाप बैठे रहने का करके। ये रफीक कहाँ मिलेगा? साहब मेरे को मालूम नहीं है, अगर मालूम होता तो सच बताता आपको। आप विश्वास कीजिए साहब, आप उन पूरी मंडी चौथी गली। FBI, इंटरपोल, हमारी इंटेलिजेंस, किसी के पास इस आदमी पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं, आज बचेंगे तो कल मारेंगे। इन चारों का गायब होना कैसे जस्टिफाई करेंगे प्रकाश? सर, सिक्योरिटी में स्नैक था, भाग गए। आप मुझे सस्पेंड कर दीजिए। प्रकाश तुम तो कमाल। एक्सक्यूज मी सर, लोकल कॉल था। जब वो अगली बार कॉल करेगा तो मैं उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बता सकता हूँ। आर यू श्योर? डेफिनेटली सर, ही इज गुड बट नॉट द बेस्ट। ओके। अबा आरिफ, प्यार से यार खोलना इसे, ये सब ठीक नहीं हो रहा है। ये सारे बच गए और हमें बॉम्ब्स का पता नहीं चला तो? आरिफ, राठौर सर ने कहा है। नहीं जय, इन तीनों को छोड़, इसको साथ लेके चलते हैं और ये तब छूटेगा जब वो हमें बॉम्ब्स की एग्जैक्ट लोकेशन बताएगा। मैं सर को फोन कर रहा हूँ। सर बोलेंगे तब भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसे। आरिफ तू पागल हो गया, कोई ना कोई देख रहा होगा हमें यहाँ पे। तो हमें जाते देख कर वो जरूर फोन करेगा। आरिफ बहस मत कर, चल जय। आरिफ गलती कर रहे हो। क्या बोला? गलती कर रहे हो। गलती करना अच्छा लगता है। चल ना। चल रहा हूं ना। इब्राहिम भाई का क्या करेंगे ये लोग? क्या करेंगे, बाद में छुड़ा लेंगे इनको। अभी क्या खुशी भाई? इंतजार और क्या, कोई ना कोई आता ही होगा। आरिफ अब क्या है? कोई फोन बज रहा है। देख, उठा तो सही। Hey!
छोड़ मुझे, छोड़। सॉरी, मैं कुछ समझा नहीं। आपके घर में कॉकरोच आता है तो आप क्या करते हैं राठौड़ साहब? आप उसको पालते नहीं, मारते हैं। ये चारों कॉकरोच मेरा घर गंदा कर रहे थे और आज मैं अपना घर साफ करना चाहता हूं। तुम हो कौन? मैं वो हूं जो आज बस और ट्रेन में चढ़ने से डरता है। मैं वो हूं जो काम पर जाता है तो उसकी बीवी को लगता है जंग पे जा रहा है, पता नहीं लौटेगा या नहीं। हर दो घंटे बाद फोन करती है कि चाय पी के नहीं, खाना खाया कि नहीं। दरअसल वो ये जानना चाहती है कि मैं जिंदा हूं या नहीं। मैं वो हूं जो कभी बरसात में फंसता है, कभी ब्लास्ट में। मैं वो हूं जो किसी के हाथ में तस्बीह देख के शक करता है, और मैं वो भी हूं जो आजकल दाढ़ी बढ़ाने और टोपी पहनने से घबराता है। बिजनेस के लिए दुकान खरीदता है तो सोचता है दुकान का नाम क्या रखूं, कहीं दंगे में मेरा नाम देख के मेरी दुकान ना जला दें। झगड़ा किसी का भी हो, बेवजह मरता मैं ही हूं। भीड़ तो देखी होगी ना आपने, भीड़ में से कोई एक शक्ल चुन लीजिए, मैं वो हूं। आई एम जस्ट द स्ट्यूपिड कॉमन मैन वॉन्टिंग टू क्लीन हिज हाउस। क्या हुआ? हाँ, मेरी घड़ी रुक गई है। 5:30। बहुत भारी बैग है आपका। और हाँ जी बोलिए। आप निकल चुके हैं या वहीं हैं? हाँ बस निकल ही रहा था, कोई मिल गया। कौन मिल गया? कोई दोस्त? पता नहीं। आप भी ना, जल्दी आइए। हाँ बस आ रहा हूँ। सॉरी, आप कुछ कह रहे थे? हाँ मैं कह रहा था बहुत भारी बैग है आपका। वो मैं छोड़ दूँ कहीं आपको? मेरी गाड़ी वो पुलिस जीप? हाँ नहीं थैंक यू, मैं बस यहीं जा रहा था। श्योर श्योर। प्रकाश राठौर। आई एम उसने मुझे अपना नाम बताया, लेकिन मैं वो नाम किसी को नहीं बता सकता। इंसान नाम में मजहब ढूंढ लेता है। हम सब जानते थे कि आम आदमी परेशान है इन सब चीजों से, लेकिन एक आम आदमी ये रास्ता भी ले सकता है इसका अंदाजा बिल्कुल नहीं था। वन कॉमन मैन हैड द गट्स।